अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आलोक सिन्हा ने आगरा अलीगढ़ मंडल वाणिज्य कर के खंड अधिकारी डिप्टी आयुक्त और वाणिज्य कर आयुक्त के साथ आगरा ट्रेड सेंटर आगरा के सभागार में बैठक की और नए पुराने जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों से जीएसटी वसूलने और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। ये जब से जीएसटी आया है तब से जीएसटी की समीक्षा के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कार्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के और रिटर्न फाइलिंग, जो सस्पेक्टेड ट्रांसपोर्टर्स हैं, सस्पेक्टेड डीलर्स हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करके हम लोगों ने बहुत सारे कार्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किए। तो उन्हीं कार्यात्मक लक्ष्यों के बारे में हम लोग ने ये निर्देश भी दिए हैं कि हर जोन के लेवल पे वीकली मीटिंग्स और पाक्षिक मीटिंग करके उनकी समीक्षा की जाएगी। और प्लस साथ में मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को ये लक्ष्य दिया है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में व्यापारियों को रजिस्टर कराएंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों की समीक्षा करने के लिए मीटिंग की गई थी, जिसमें उन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और क्योंकि अभी फॉर्मेटिव ईयर्स हैं जीएसटी के, तो फील्ड लेवल पे कैसे कार्य हो और जो वैट से जीएसटी का ट्रांजिशन है उसमें कैसे ये लोग नए तरीके से काम करने की प्रणाली को समझें, इसके लिए हम लोग का ये उद्देश्य है कि हर एक 200 जोन में जाकर के वहाँ पे जो हमारे नीचे तक के अधिकारी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल तक के अधिकारी हैं, उनको डायरेक्टली हम लोग एड्रेस कर सकें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी हो सके और एक पूरे टीम वर्क के रूप में हमारा जीएसटी जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट वो काम कर सके। साथ ही टॉप 20 में शामिल फर्जी फर्मों पर छापामार कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। 200 करोड़ के टर्नओवर वाली फर्म राहुल एंटरप्राइजेस की मुख्यतः चर्चा की गई। इस फर्म के मालिक का पता लगाने के साथ राहुल एंटरप्राइजेस से जुड़े व्यापारियों की पूर्णतः जानकारी लेकर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही बिल काटने से लेकर बिल कैंसिल करने, ट्रांसपोर्ट इनवॉइस और नोटिस जारी करने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया। अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने फर्जी फर्मों के मालिकों पर कार्रवाई करने के साथ जीएसटी का पालन कराने का सख्त आदेश दिया है। इसीलिए पूरा 100% सर्वे करा रहे हैं हम लोग जितने भी हमारे जोन के अंदर जितनी नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं और 2000 के से ज्यादा बड़े गांव हैं, नगर निगम हैं, इसमें हम लोग 100% सर्वे करा ले रहे हैं कि कितने व्यापारी विद्यमान हैं, कितने जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनका फिजिकल सर्वे होगा। उसके अलावा बिजली विभाग, श्रम विभाग और जितने भी अन्य विभाग हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, जो भी व्यापारिक संस्थानों को रजिस्टर करती हैं, उन सबका 100% सर्वे करने के बाद हम देखेंगे कितने हमारे व्यापारी अनरजिस्टर्ड हैं और उन सबको फिर प्रयास किया जाएगा, जो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की परिभाषा में आते होंगे उन सबको रजिस्टर कराने का प्रयास किया जाएगा। बकाया वसूली जीएसटी में तो नहीं, बट बकाया वसूली हमारी वैट के जमाने की है, तो वैट के जमाने की बकाया वसूली में जो कार्रवाई होती है, जिसमें साइटेशन जारी करना, कुर्की करना और बाकी सारी कार्रवाई करना, उन सबको बड़े व्यापारियों से लेकर के जो बड़े बकायेदार हैं उनसे लेकर के लक्ष्य निर्धारित करके कार्रवाई की जाती है। बिना जीएसटी फर्जी फर्मों द्वारा मोटा व्यापार करने वालों पर गाज गिर सकती है। आगरा अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने जीएसटी का बकाया वसूलने और जीएसटी का पालन कराने के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि जीएसटी की आड़ में जीएसटी की चोरी करने वाले कितने मोटे व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी। 7 इंडिया न्यूज के लिए विकास सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।